देश के प्रसिद्ध सूफी गायक हमसर हयात ने राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में चल रहे भोजपाल महोत्सव मेले में अपनी प्रस्तुति दी। और आपको बता दें कि भोजपाल महोत्सव मेले में सूफी नाइट का लुत्फ उठाने 50,000 से ज्यादा शहरवासी पहुंचे। वहीं इस दौरान मेला अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी शहरवासियों का आशीर्वाद मिल रहा है। 29 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में लगातार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हो रही हैं। और इसी कड़ी में देश के प्रसिद्ध कव्वाल हमसर हयात ने सूफी नाइट में अपनी प्रस्तुति दी। और आने वाले दिनों में बॉलीवुड कलाकारों के साथ ही कई प्रदेशों के कलाकार भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देते हुए नजर आएंगे। आज भोजपाल महोत्सव मेले में हमारे देश के सुप्रसिद्ध सूफी गायक हमसर हयात बंधुओं द्वारा शानदार प्रस्तुति दी जा रही है। आज हमारे भोपाल शहरवासियों ने भोजपाल महोत्सव मेले को अपना जो स्नेह और आशीर्वाद और सहयोग आज दिया है, पूरी मेला समिति भोपाल की जनता का इधर से आभार व्यक्त करती है। स्टॉल लगाए गए, हमारे यहाँ पे ग्रेट जर्मनी सर्कस भी लगाया गया जो बच्चों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि भोपाल की जनता 29 दिसंबर तक अपने परिवार के साथ आकर इस भेल दशहरा मैदान पर भोजपाल महोत्सव मेले में अपने परिवार के साथ आनंद ले देते सभी आए हुए लोगों को, इसलिए हम हर साल इन्हें बुलाते हैं और इनकी प्रस्तुति आज इनके द्वारा दी जा रही है। भोजपाल महोत्सव मेले में सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर गार्ड भी तैनात हैं और हमारी समिति के वॉलंटियर भी तैनात हैं और समिति के सारे लोग मेला परिसर में भ्रमण करते रहते हैं, जिससे कभी कोई घटना दुर्घटना भी नहीं होती है। महोत्सव मेला भोपाल में निरंतर 9वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। प्रस्तुत किए जाएंगे आने वाले दिनों में लगातार 29 दिसंबर तक यह मेला भोपाल की जनता का सेवा करेगा। मनोरंजन के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, झूलों के माध्यम से, खान पान के विविध स्टॉल के माध्यम से भोजपाल महोत्सव मेला समिति यहाँ पर पूरे आयोजन को भव्य स्वरूप बनाने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता। आप पधारे, परिवार के साथ आए, आपका ही आयोजन आपके लिए पूरे मनोरंजन के लिए पारिवारिक संगम का केंद्र।